सितंदर फूल नहीं, आग की मौत बांटती है। आग का फूल? आग के फूल के बारे में तुम कैसे जानते हो? जमशेद आदि की रिहाई के लिए ही हमें गुले आतिश की जरूरत है। सिंहबाद और शहजादी तस्वीर, ये वो तिलिस्मी जूते हैं जिन्हें पहनकर तुम बेखौफ होकर आग के समंदर में कूद सकते हो। इतनी हैरत से क्या देख रहे हैं आग का सिंहबाद? ये हमारी मंजिल है, आग का समंदर। देख रहा हूँ कि आज तक तो मैं पानी के समंदरों में जहाज का सफर करता रहा, मगर आज तिलिस्मी खोपड़ियों की खातिर इस सफर में एक ऐसी मंजिल पर पहुंच गया हूँ जहाँ दहकती हुई आग का समंदर मेरी आंखों के सामने है। इससे भी ज्यादा हैरत की बात तो ये है आग का सिंहबाद, कि आग का फूल हासिल करने के लिए आप इसी आग के समंदर में उतरने वाले हैं। शहजादी तस्वीर, आओ इन तिलिस्मी जूतों का जादू भी देख लें। तिलिस्मी जूतों के असर से आग तो सचमुच ठंडी होकर गायब हो गई। हाँ आका, देखिए वो रहा आग का फूल। फूल तो बड़ी आसानी से हासिल हो गया शहजादी तस्वीर, खुदा का शुक्र है। हाँ आका, आइए अब आबे रवा के साहिल की तरफ चलें। चलो शहजादी तस्वीर। तुम्हारा शुक्रिया शहजादी तस्वीर, अब तुम वापस चली जाओ आसिफ और कहकशां के पास, और मैं जाता हूँ इस आग के फूल की मदद से बादशाह जमशेद आदि को उस फौलादी पिंजरे के कैद से आजाद कराने। जाइए आका सिंहबाद, खुदा आपको कामयाब करे। जहाज पर हम सब आपकी वापसी के मुंतजर रहेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज शहजादी तस्वीर। तिलिस्मी समुद्री कालीन हाजिर हो, जाहिर हो। उड़ान भर तिलिस्मी समुद्री कालीन। कौन? मैं सिंधबाद। सिंधबाद? सिंधबाद तुम आ गए? सिंधबाद तुम आ गए? हाँ, खुदा का शुक्र है। मैं आपकी रिहाई के लिए आग का तिलिस्मी फूल गुले आतिश लेकर आया हूँ। सिंधबाद
मुझे यकीन था तुम कामयाब होगे। तुम्हारी कामयाबी के लिए मैंने हर लम्हा खुदा से दुआ की थी। मैं रब्बे अजीम रब्बे करीम का शुक्र गुजार हूं। खुदाया तेरी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तू इस खुले आतिश के जरिए कुदरत का करिश्मा दिखा। बिस्मिल्लाह। कैद खाने से छुटकारा और कैद खाने से रिहाई मुबारक हो शाह जमशेद अभी। क्या मैं वाकई आजाद हो गया हूँ? हाँ शाह जमशेद अभी आप वाकई आजाद हो गए हैं। सिंदबाद इतने अरसे तक कैद खाने की सलाखों के पीछे रहा हूँ, इसलिए यकीन नहीं होता कि मैं आजाद हो गया हूँ। अब तो यकीन हो गया ना? हाँ सिंदबाद इस आजादी के लिए लाख लाख बार हम तुम्हारा शुक्र अदा करते हैं। शुक्रिया फिर कभी अदा कीजिएगा। पहले यहां से निकल चलिए। आइए सिंदबाद मुझे सबसे पहले मेरी बेटी सदक के पास ले चलो। हम सदक अलमास के पास ही चल रहे हैं। हाँ आइए। हाँ आइए। बेटी श्या बाबा मेरी बच्ची बाबा मेरी बच्ची मेरी बच्ची कितने अरसे के बाद आज मैं अपनी बच्ची को गले लगा पाया हूँ। मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई। शाह बाबा मैं भी आपकी मोहब्बत और शफ़क़त भरे हाथों के लिम्स के लिए कितना तड़पी हूँ आप नहीं जानते। बेटी मैं आज जान गया हूँ मेरी बच्ची कि माँ बाप औलाद का एक दूसरे के लिए प्यार ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। मगर मैं नादान था बेटी जो हीरे जवाहरात की सूरत में तुम्हें अपना प्यार देना चाहा। मैं नादान था मेरी बच्ची। माँ बाप अपनी औलाद को जो तालीम देते हैं और उनको जो तरबियत देते हैं और उन्हें जो इखलाक और आदाब सिखाते हैं उससे बढ़कर वो और कुछ नहीं दे सकते। देने को यूँ चाहे सारी दुनिया की दौलत दे दें वो दौलत छीन सकती है मगर इल्म और आदाब की दौलत कभी कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारी कीमती बातें सुन रहा हूँ। काश काश मैं देख पाता।
बाबा, वो दिन भी जरूर आएगा जब आप मुझे और सारी दुनिया को देख सकेंगे। सिंदबाद, कहो शहजादी सदा फलमास। सिंदबाद, हालांकि तुमने अपनी पहली शर्त पूरी करते हुए शाह बाबा को आजाद किया है, मगर फिर भी मैं इसे तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान मानती हूँ और इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। इसमें एहसान की क्या बात है? भूल जाइए कि मैंने कोई एहसान भी किया है, बल्कि ये बताइए कि आपकी दूसरी शर्त क्या है। मेरी दूसरी शर्त ये है कि आपको शाह बाबा की आंखों की रोशनी को वापस लाना है। अगर किसी सूरत मेरी कोशिश से शाह जमशेद आबी की आंखों का नूर वापस आ जाए और वो फिर से देखने लगे तो ये मेरे लिए भी खुशी की बात होगी। मगर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बाबा की आंखें शैतानी तिलिस्म से बेनूर हो गई थी और तिलिस्म से ही ठीक होंगी। जजीरा दीदार में नूरे नजर नाम के तिलिस्मी दरख्त के पत्तों से बाबा की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। और ये जजीरा दीदार दुनिया के किस इलाके में है? जजीरा दीदार समंदर की दुनिया के बाहर जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तिलिस्मी दरख्त नूरे नजर जजीरा दीदार जीने चश्मे बदूर के कब्जे में है। बेटी सदा, सिंदबाद ने मुझे जलजाल की कैद से रिहाई दिलाकर हम पर एहसान किया है। अब इस नेक इंसान को किसी इम्तिहान में मत डाल बेटी, अपनी शर्त वापस ले ले। ये खुदगर्जी है बेटी, खुदगर्जी। शाह बाबा, मेरी शर्त में हो सकता है कि हमारी खुदगर्जी हो, मगर इसमें सिंदबाद का भी भला है। भला? भला वो कैसे बेटी? सिंदबाद गुलाबी तिलिस्मी खोपड़ी हासिल करने के लिए जिन्हें वरकाब के जल महल तक पहुंचना चाहता है, और जल महल की तिलिस्मी खोपड़ी का नक्शा तो हमारे पास मौजूद है, मगर वो नक्शा एक ऐसी जबान में है जिसे आपके अलावा और कोई नहीं पढ़ सकता। यानी जब तक आपकी आंखों की रोशनी वापस न आ जाए तब तक सिंदबाद अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा। एक नेक मकसद के लिए गुलाबी तिलिस्मी खोपड़ी हासिल करने निकला हूँ, अगर उस नेकी में ये नेकी भी शामिल हो जाए कि शाह जमशेद आबी की आंखों की रोशनी वापस आ जाए, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? सिंदबाद, मगर ये काम इतना आसान नहीं है। नियत नेकी की हो तो खुदा के फजल से सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। शहजादी सदफ अलमास, मुझे आपकी दूसरी शर्त भी कबूल है, और इंशाअल्लाह ये शर्त भी मैं बहुत जल्द पूरी कर लूंगा। बस इस नेक मकसद में आपकी दुआओं का सहारा चाहिए। खुदा तुम्हें कामयाब करे सिंदबाद। खुदा खुदा तिलिस्मी समुद्री कालीन, तेरा ताल्लुक समुद्र की दुनिया से है, इसलिए मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपकी खिदमत करना मेरा फर्ज है आकाश में। बात पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? समंदर के बादशाह जमशेद आबी की आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए मुझे जादुई दरख्त नूरे नजर के तिलिस्मी पत्ते हासिल करने हैं। मैं जानता हूँ आका, वो तिलिस्मी दरख्त जजीराए दीदार में है। तो क्या तू ये भी जानता है
कि जजीरा दीदार कहाँ है? यकीनन आगा, जजीरा दीदार यहाँ से बहुत दूर है, मगर आपका खिदमतगार ये तिलस्मी कालीन घंटों का सफर मिनटों में तय कर सकता है। तो फिर देर किस बात की है समुद्री कालीन? समंदर का सीना चीर कर ले चल मुझे जजीरा दीदार तक। जो हुक्म आका। जो माँ के पेट से ही अंधा पैदा हुआ हो,
इस दरख्त के पत्ते तो सिर्फ ऐसी अंधी आंखों को ठीक कर सकते हैं जिनकी रोशनी किसी शैतानी तिलिस्त की वजह से खो गई हो। ये बात मैंने तेरे भाई को भी समझाने की कोशिश की थी पर वो नहीं मानी और अपनी जिद के सबब अपनी आंखें और जान गंवा बैठा। बस यही बात मैं नहीं भुला सकती कि तेरे इस तिलिस्मी दरख्त के सबब मेरे भाई की जान गई है। तू इस दरख्त को उखाड़ फेंक। ये नहीं हो सकता। तो फिर मेरे इस तिलिस्मी जहर से बुझे हुए तीरों को खाने के लिए तैयार हो जाओ।